हेलो राम राम जी सबने, मैं हूँ आपकी हरियाणवी एक्ट्रेस मिस करण चौहान। मैं देने आई हूँ आज आप सबको एक बैड न्यूज। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा दुख सा आ गया है आज। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम सदमे में चली गई थी। मेरा ये मिट्टू जो मेरा तोता था, जो 6 साल से मैंने उसको एक बच्चे की तरह पाला था, वो चला गया मुझे छोड़कर। और आज भी एक मेरा छोटा सा बच्चा छोड़ के चला गया है। मतलब हमने एक कुत्ती पाली थी जो डॉगी होती है, हैं, तो उसके 2 बच्चे थे, जो लड़का और लड़की जो मैंने पाल रखे थे। और उसके हुए तो थे कम से कम 4-5 बच्चे। तो उसने एक मिट्टी की गुफा बनाई थी, उसमें बच्चे पैदा किए थे। तो वो मिट्टी के ऊपर किसी ने ईंटें डाल दी थी, वो बच्चे मर गए थे। उसमें से 2 बच्चे मैंने बचा लिए थे। उनका पालन पोषण, खाना पीना सब कुछ मैं कर रही थी। अचानक पता नहीं, अभी मैं प्रोग्राम पे गई थी 2-3 दिन के लिए, तो उस चक्कर में उसकी केयर नहीं हो पाई है और उनको ठंड लग गई है, किसी ने उनको ठंडी चीज़ दे दी है। इस चक्कर में वो बीमार हो गए और मैं आई थी तो वो बोल भी नहीं रहे थे। पहले उसका छोटा सा जो बेबी होता है कुत्ती का, डोगी, ठीक है, तो पहले वो बीमार हुआ और परसों की बात है, तो परसों वो अचानक मतलब मर गया ठंड से। मैंने उसको बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा। और आज उसकी जो छोटी बहन होती है, जो दोनों बहन भाई थे, छोटे पिल्ला बिल्ली, तो आज उसकी बहन मर चुकी है। रात भर से मैं सोई नहीं हूँ इसी टेंशन में। मैं रात भर से उनकी केयर कर रही थी, मैंने गर्म कंबल भी उढ़ाया, दवाई भी दी, और डॉक्टर से दवाई लेके भी आए हम डॉगी वाले डॉक्टर से, तो उसने टैबलेट दी। रात को उसको आराम मिल गया, लेकिन रात को मेरी आँख लग गई। मैं 12 बजे 12:30 बजे सो गई थी। उसके बाद वो छोटी सी जो बेबी है कुत्ती की, है, तो उसको गर्मी लगी और गर्मी की वजह से वो बाहर चली गई। बाहर चली गई तो वो मिट्टी वाली गुफा में फिर दोबारा घुस गई, और वो ठंडी थी तो ठंड की वजह से उसको दोबारा ठंड लग गई, और ठंड लगने की वजह से उसका मुंह फिर से बंद हो गया। ना तो उसका मुंह खुल रहा था ना कुछ। मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने देखा कि वो कहाँ गई। 3 बजे ही, मतलब मैंने, मेरी आँख खुल गई थी 3 बजे, तो मैं उसको देखने गई कि कहाँ गई वो। 3 बजे से मैं सुबह 3 बजे से रात से, मतलब रात के 3 बजे थे और सुबह के 5 बजे थे, ठीक है। तो 3 बजे तो मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा वो कंबल में है नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, 2-3 फ्लैटों में, नहीं मिली वो। फिर उसके बाद मैंने 5 बजे उसको ढूंढना, नहीं मिली वो। मेरे को वो मिली है सुबह 8:30 बजे, 8:30-9 बजे मिली है, और वो भी वो मिट्टी वाली गुफा में मिली। तो वो मिट्टी वाली गुफा में पानी ज़्यादा था और ठंड की वजह से वो ठिठुर गई थी। मतलब एकदम कपकपी नहीं छोड़ जाती, बंदा बेहोश हो जाता है। तो ऐसे बेहोश मिली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उसकी तबीयत भी, मतलब सांस चल रही थी, मतलब कहते नहीं है जो दिल की धड़कन होती है वो चल रही थी, लेकिन हाथ पैर और मुंह बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखें थी जो खुली की खुली रह गई। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, हमारी जो पड़ोस में आंटी है, मैंने उनको बुलाया। मैंने बोला, मैंने कि आंटी देखो आप एक बार इसको, मैंने कि रात को तो हमने इसको बचा लिया, आग उग जला के उसको बर्माश दे दी, तो वो रात को, मतलब रात को ही मरने वाली थी। वो कहने का मतलब तो ये था, है, तो वो रात को मरने वाली थी, सुबह हमने देखा तो वो सुबह गायब। मतलब अपने आप वो चल कर, वो हमारे अंदर वाले फ्लैट से चल कर वो बाहर मिट्टी वाली गुफा में घुस गई। ये देखो, तो भगवान ने उसको इतनी हिम्मत दे दी कि वो ठीक हो गई, और सर्दी की वजह से फिर दोबारा बीमार हो गई। अब सुबह सुबह वो ठंड लग गई उसको, वो जकड़ गई। मैंने उसको बहुत कोशिश की बचाने की, मैंने सुबह भी दवाई दी गर्म पानी के साथ, नॉर्मल गर्म पानी किया था, ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो उसके साथ उसका मुँह ज़बरदस्ती खोला और चम्मच से उसके अंदर दवाई डाली, तो उसका मुंह काम ही नहीं कर रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुंह बिल्कुल बत्ती बन जाती है ना, जो ठंड से बंदे के अंदर सांस रहती है लेकिन मुंह नहीं खुलता है, तो ऐसे वो हाल था उसका। तो आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है मेरे को कि मैं जिसको भी, मतलब चाहे कोई भी हो, कहने का मतलब जिससे भी दिल लगाती हूँ ना, तो वो मुझे छोड़ के चला ही जाता है।
ये हकीकत है। कोई ना कोई हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे फैमिली का बंदा हो, चाहे मेरा फ्रेंड हो, कोई भी हो, मैं जिससे भी दिल लगाती हूँ वो मुझे छोड़ के चला ही जाता है। मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है और उसी चीज़ से मेरे को बाद में दुख भी मिलता है, मतलब रोना पड़ता है। जब बंदा चला जाता है तो फिर रोना तो आता ही है। अब मैं सुबह से मैं 3 घंटे खूब रोई हूँ, 3 घंटे से मैं रोते जा रही हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। अब उसकी जो डेड बॉडी है वो हमारे फ्लैट के पास ही पड़ी है, मैंने उसको धूप में रखा, तो आपको वो भी दिखाऊंगी मैं, आप देखना कैसे सिकुड़ गई है वो है। और अब उसको दफनाऊंगी। पहले उसका भाई दफनाया था, अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले उसका भाई मरा। उस सदमे से मेरे ख्याल से इसकी भी यही हालत हुई है, ये कुछ खा पी नहीं रही थी और इसलिए मर गई। और गलती मेरी है कि मैं जिससे दिल लगाती हूँ फिर या तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब मेरा काम ही ऐसा है दोस्तों, आपको तो पता है, मान लो शूटिंग का काम आ जाए या मेरा कोई डांस प्रोग्राम का काम आ जाए तो मुझे जाना पड़ता है। अब मेरे जाने की वजह से इनकी किसी ने केयर नहीं की है। आजकल सब मतलब ही है, कहने का मतलब ये है कंजूस भी है ज़्यादा करके। अगर छोटे से पिल्ले हैं, अगर हम इसको दूध डाल देते हैं या बिस्कुट डाल देते हैं तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हम जितना खिलाते हैं ना भगवान हमें उतना ही ज़्यादा देता है। मेरा दिल इतना वो है कि कोई भी हो, चाहे हमारे घर कोई भी आ जाता है, भले मैं जानती भी नहीं होंगी, फिर भी मैं अगले से ये पूछूंगी, जी आप मेरे दरवाजे पे आए हो तो चाय पानी पियोगे क्या? और जानवर तो कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे पिल्ले का बच्चा हो, मैं सबको प्यार करती हूँ। मेरा एक अलग नेचर है जी, आप कभी मेरे से मिलके देखना, मैं अलग टाइप की हूँ। सारे कहते हैं कि किरण हर किसी से दिल लगा के फिर रोती बहुत है जब मेरे को कुछ छोड़ के जाता है। अब क्या करूँ, मजबूरी है, मजबूरी है कि मेरा दिल ही वो है, मतलब हर किसी से लग जाता है और फिर कमज़ोर भी है, मतलब सदमा हो जाता है मेरे को। वो कहते हैं नहीं, डिफरेंसन दिमाग में डिफरेंसन हो जाता है, जो सदमे में चली जाती हूँ फिर मेरा किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता, क्या करूँ। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसकी जो डेड बॉडी है कैसी हो चुकी है, ठंड की वजह से बिल्कुल सिकुड़ गई है। और जो उसकी माँ है ना, वो बेचारी सुबह से इतना रो रही है, क्या बताऊँ। मैंने उसको मतलब समझाया कि कोई बात नहीं, जो चीज़ गई तो गई। उसके ना 4-5 बच्चे हुए थे, और 4-5 बच्चों में से उसके सिर्फ ये 2 ही बच्चे मैंने बचाए थे, मतलब ठंड से बचाए थे। और उनको छोटा सा घर बना के दिया था, कंबल भी दिया, दरी भी दी, तकिए भी दिए, गर्म कपड़े मैंने काफ़ी दिए थे जिससे वो बच गए थे। अब बस लापरवाही ये हो गई है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर चली गई थी प्रोग्राम पे, और इस चक्कर में उनकी केयर नहीं कर पाई हूँ। किसी ने उनको लस्सी लुस्सी पिला दी, दूध समझ के वो लस्सी को पी गए, वो उनको बन गया निमोनिया। निमोनिया बनने की वजह से दोनों बहन भाई बस सर्दी हो गई उनको, और वो ये दुनिया से चले गए। अब क्या करें, जितना मेरे पे हो सका मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको बचाने की, उसके भाई को भी बचाने की कोशिश की और उसको भी बचाने की कोशिश की। अब ये देख लो 3 दिन में ही मतलब दोनों बहन भाई चले गए। अब ये देखो, अब उस माँ पे क्या बीतरी होगी जिसने बेचारी ने मतलब इतने दिन से उनकी देखभाल की। वो हो गए होंगे कम से कम, जब हमारा मिट्टू गुजरा था ना, जब की बात है। अब आप ये देख लो, हमारा मिट्टू गुजरा था 20 तारीख को 9वें महीने में, तो उस सदमे से मैं पागल सी हो गई थी। इतनी पागल हो गई थी कि घर में 1 महीने तक मैंने खाना नहीं बनाया था, 1 महीने तक मैंने ना खाना बनाया ना मैंने खाया। और इतनी मेंटल सी हो गई थी ना मैं कि मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, बस सारे दिन रोना रोना रोना। और जो हमारे मिट्टू का जो पिंजरा था उसे पकड़ के बस रोते रहते थे। तो चलो उससे तो मतलब उसके बदले में मेरे घर में एक छोड़ के 8-8 तोते आ गए। ये देखो 4 तोता 4 तोती, उसमें से 3 तोते मेरे मर भी चुके, वो भी ठंड से। मैं चली गई थी और उनको ठंड लग गई, उनको कंबल नहीं उड़ाया। अब मैं उनकी देखभाल अच्छी करती हूँ और उनको बड़े प्यार से रखती हूँ, आपको वो भी दिखाऊंगी 1 मिनट। ये देखो, ये हमारे रंग बिरंगे छोटे छोटे तोते हैं, इसमें से 4 तोता है 4 तोती है, ये जोड़ा है। अब इनमें से ना ये 3 ठंड की वजह से गुजर चुके हैं और ये 5 है, ओनली 5 रह गए हैं। इनको मैं बड़े प्यार से रखती हूँ, इनको सुबह शाम इनकी बहुत केयर करती हूँ। मॉर्निंग में इनको सुबह उठ के जल्दी से पानी देती हूँ,
और इनके जो दाने हैं पैकेट आता है एक मार्केट से, वो लेके आती हूँ, वो देती हूँ। और इनको मतलब सर्दी की वजह से इनको कंबल में ढक के रखती हूँ आराम से, और धूप हो जाती है सुबह मॉर्निंग में तो मैं धूप में रख देती हूँ इनको धूप में। और मतलब इनसे भी मेरा दिल लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है अगर इनमें से एक भी चला जाता ना, जब भी मैं बहुत रोती हूँ और रो रो के बस मैं कुछ नहीं करती, अपनी हालत ख़राब करती हूँ, ना मैं खाना खाती, ना किसी से बात करती, ना किसी का फ़ोन उठाती, और मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है। मेरी जो पड़ोस वाली आंटी हैं जिनको मैंने माँ बना रखा है, मुँह बोली माँ, मेरे माँ बाप नहीं है आपको बता दूँ, तो इसीलिए मैंने मतलब जो हमारे पड़ोस में है वो एक फैमिली की तरह रखते हैं हम, तो अच्छा पड़ोस है हमारा, सबकी मैं तारीफ करती हूँ, वो भी मेरी तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी है दिल की। और काफ़ी सालों से मतलब 7-8 साल हो गए एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, हमारे कोई भी दुख हो या सुख हो हमारे जो पड़ोस में आंटी है वो हमारे आती है। तो अभी आंटी मंदिर गई हुई है और इसलिए मुझे अकेले अभी उसको दफनाना पड़ेगा, तो मैं नमक लेके आ चुकी हूँ दुकान से और अब उसको दफना देती हूँ। क्योंकि टाइम वेस्ट करूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये अपने दिल की बात ना शेयर करने आई थी, कहने का मतलब यह है कि जो दिल में बात होती है ना, कहते हैं किसी से कह दो ना तो शेयर हो जाती है, वो मतलब दिल हल्का हो जाता है। हाँ, शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। और मैं ये सारे दिन बैठ के ये सोचती रहूँ कि यार इतना बुरा हो गया, मतलब उसके जो बच्चे हैं वो चले गए और मेरे पास सुबह सुबह आते थे वो, मैं सुबह उनको मॉर्निंग में ब्रेड और बिस्कुट देती थी, अब किसको दूंगी। अब हमारी गली में कोई छोटा सा नहीं है, कोई छोटा सा डोगी है ही नहीं है, वो दो ही थे, उन दोनों को ही मैं प्यार करती थी। सुबह मॉर्निंग में उनको सुबह सुबह बिस्कुट देती थी और ब्रेड का पैकेट देती थी, उनको ब्रेड खाना और बिस्कुट खाना ही पसंद था, और वो और कुछ नहीं खाते थे, दूध भी नहीं पीते थे, मैं दूध डालती थी ना, दूध भी नहीं पीते थे ये देखो, क्योंकि उनने बचपन से वही आदत डाली बिस्कुट की और ब्रेड की, तो वो सिर्फ वही खाते थे और उसके सिवा और कुछ नहीं खाते। मैं 3 दिन बाहर चली गई तो इस चक्कर में उनकी केयर नहीं हो पाई है, और इस चक्कर में वो मतलब सर्दी लग गई है उनको, कहने का मतलब तो यही है, डॉक्टर ने तो यही बताया कि सर्दी लगी हुई है। अब क्या करें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी दोस्तों, पर वो नहीं बचे। मैं तो ये कहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और क्या कहते हैं उनको अच्छा सा जन्म मिल जाए बस, जिससे मेरे दिल की तसल्ली भी हो जाएगी, मैं भी इतना नहीं रोऊंगी कि ऐसे मर गए वो। यार क्या करूँ, बहुत टेंशन होती है, कोई भी हो मैं दिल पे ले जाती हूँ, मैं सच बताऊँ कोई भी बात होती है ना मायूस हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओ अच्छा, आपको वो दिखाऊँ, मिट्टू की फ़ोटो तो आपने देखी होगी, ये देखो ये हमारा ऊपर लगा रखी है मैंने, ये हमारा मिट्टू है, ये देखो ये हमारी मिट्टू की फोटो है, मैं इसे देख देख के जीती हूँ। ये हमारी मिट्टू की फोटो थी, ये हमारी मिट्टू की फोटो मैंने जब बनवाई थी, जब इसकी क्रियाक्रम करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जो 13 दिन बाद वो जैसे हमारे फैमिली में कोई गुजर जाता है तो हम 13 दिन बाद वो करते हैं उसका खाना पीना, तो मैंने भी बिल्कुल रीति रिवाज के साथ इसका क्रियाक्रम किया था, मतलब पंडित बुला के खाना पीना बनवाया, पूजा पाठ करवाई, अच्छे से आत्मा को शांति दिलवाई, और इसको भी भगवान ने शायद दूसरा जन्म दे दिया होगा, और इसलिए मतलब ये गुजरा था उसके 2-3 दिन बाद ही वो छोटे छोटे पिल्ले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उसके बदले में ये आ गए हैं, तो मेरे घर रोज डेली सुबह 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 दोनों बहन भाई पूछ लाते हुए आते थे, मेरे को इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि मैं इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं आपको कहती थी ना मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, उनको देख के खुश होती थी। मैं कहती मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, कोई कहता था मतलब कोई क्या सभी कहते थे, कहते हैं किरण के बच्चे, और मैं भी कहती हाँ मेरे ही बच्चे हैं, अब क्या करूँ, अब किसको बोलूँगी मैं बच्चे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी चले गए मुझे छोड़ के। चलो मैं आपको उनकी डेड बॉडी दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर आप मेरे को जवाब देना कमेंट में कि कैसे थे वो बच्चे, बेचारा अब तो सूख ही गया। मैं बैक कैमरा कर देती हूँ एक बार, तो हो नहीं रहा, ये देखो हमारा फ्लैट है और ये देखो उसकी माँ,
लेटी हुई है ये देखो दोस्तों, धूप हो रही है, ये उसकी माँ लेटी हुई है, आपको दिख रही है ये अंदर, ये इसकी माँ लेटी हुई है और जो इसका बच्चा है वो देखो, ये इसका बच्चा, ये मर चुका है, इसकी डेड बॉडी मैं अभी इसको दफनाऊंगी और इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। मर चुके, बहुत कोशिश की मैंने इनको बचाने की पर नहीं बचे, क्या करूँ, हाथ में है ही नहीं मेरे, मेरे आत्मा अपना बचा लेते। अब मैं ये देखो, ये वो जगह है, ये जो झंडा लग रहा है ना, ये हमारी मिट्टू की याद में लग रहा है, जो हमारा जो तोता था जिसको मैंने पाल रखा था, जब वो गुजर गया था तो मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए ये अमरूद का पेड़ लगाया था और ये झंडा लगाया था, इसलिए कि कल ये पेड़ बड़ा हो और इसमें अमरूद लगे तो ये मतलब तोते आके इसमें ऐसे अमरूद खाएंगे ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी, इसलिए तो उसकी यादगार में मैंने ये पौधा लगाया था। अच्छा लग रहा है अमरूद का पेड़, छोटा सा लेके आए थे हम, बड़ा हो गया है और झंडा उसकी याद में लगाया, यहाँ पर रोड दिल्ली में अगरबत्ती लगाती है उसकी याद के लिए। अब इसको मैं जो ये है डॉगी का बच्चा, इसको मैं यहाँ पे दफनाऊंगी, छोटा भाई मैंने वो कर रखा है दफना रखा है छोटा भाई का, उसको भी दफना नहीं है।
डालते हैं क्या कपड़ा? ले आओ, ये देखो दोस्तों, इसका जो भाई है, 3 दिन पहले ही मैंने इसमें दफनाया था। अभी इसके बगल में अभी इसको दफना रही हूँ, क्या करूँ? अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की इसको बचाने की, ये नहीं बची। ये कंबल, इसके कपड़े, दरी, बहुत सारे कपड़े दे रखे थे मैंने गरम गरम। रात को तो इसको आराम मिल गया था, लेकिन सुबह सर्दी में जाके खुद गुफा में घुस गई मिट्टी वाली में, और ठंड लग गई इसको, उस वजह से ये टूटल गई। अभी इसकी बत्ती बंद हो गई, इसका मुँह ही नहीं खुला, मैंने दवाई भी डाली। अब इसकी डेड बॉडी को इसमें दफनाऊंगी, और यही विनती करूंगी भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अच्छा सा जन्म दे दे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, अभी 3 महीने हुए इनको, 3 महीने की है शायद। अब आप देख, 20 तारीख 9वां महीना जब पैदा हुए थे ये। हमारी जो बगल वाली आंटी है वो आने वाली है इनकी आत्मा की शांति के लिए, ये देखना। इसके जो भाई है ना, वो देखो, वो दफना रखता है बगल में, वो पूछने के लिए इसके। ये नमक नहीं डाला इतना गलावा क्यों करे? तो दोनों बहन भाई साथ में चले जाएंगे। ये वो करके कपड़ा फिर ऊपर नमक गिर दे पहला। नमक तो ऊपर डालते हैं, खट्टा भी सारा को कर दे कपड़ा। पहले नमक डालते हैं ना कपड़ा लग रहा मेरे को सांस चल रही इसने नहीं पता। नहीं रोएगी अभी, अभी रो रही थी इसको देख के। बोल दूंगी मैं, इधर ना खोद। पहली बात तो आपको खोदेगा ही नहीं, तो सारा सबने बता। कई दिन का पड़ा डंगा वैसे तो पूरा से कर तो देखिए ही तो नहीं तो नहीं रुक कल को नहीं आया। कल आप देखा थे 12 बजे दे आ गया ना, दे हो रहा दो गाड़ा दे हो रहा आई कल मैं खड़ी हो गया लैटरिंग करी फिर भी मैंने सारी लैटरिंग नीचे तो ऊपर सारी पैड़ियां पर लैटरिंग करा के उस दिन इसने पेट खराब हो रहा था उस दिन इसका।
पतली पतली ये बीमार हो गए। वो कहते नहीं जब इंसान ही वो कहते नहीं हिम्मत हार जाता है। ये तो फिर भी बेचारे बच्चे थे। बोल कौन सा क्या रोला है, जी तो एक ही है, बोलना ना आते कि जी तो है को नहीं। देख कितनी मैंने बार बार मैं देखती थी अब भैया मेरा है मेरा। अरे कितना दिन इसे बोरी में टक्कर मारी इसने, इसके बच्चा इसमें भी रह गया अभी। अरे उरे की उरे दूसरे ये भी आ गई, क्या बताऊं होगी मालिक की। दोस्तों रिक्वेस्ट करो कि दुआ करो कि ये पिल्ले को अच्छा सा जन्म मिल जाए और क्या कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति। ये हमारी आंटी है, ये हर शुभ काम में आती हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हर मेरे उसमें शामिल होती है, दुख में सुख में सब में। मैंने इनको माँ बना रखा है। मेरी माँ तो ऊपर चली गई जन्म देके, अब यही मेरी माँ है। ओके बाय बाय सबने।